और देखिए बहुत अच्छा सुंदर से इसको निकाल रहे हैं। और बोरी में हम मिर्ची देते हैं, पता नहीं। और एक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि बोरी जो कद्दू का बोरी बनाए थे वो सूख गया है, और उसको जो कपड़ा में बनाए थे तो उस कपड़ा से उसको निकाल रहे हैं और निकालेंगे उसको, तो आपको दिखाएंगे कैसा बना है और कितना सुंदर हुआ है उसको। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए आपको दिखाते हैं, बोरी बन के सूख के रेडी हो चुका है और उसको वो कपड़ा से अलग करेंगे, निकालेंगे उसको। तो चलिए, तो ये देखिए सूख के रेडी हो चुका है और ये कपड़ा से इसको अलग कर रहे हैं और बहुत अच्छा सुंदर से हुआ है। तो ये सबको अभी निकालेंगे, बोरी को कपड़ा से अलग करेंगे। अब देखिए बहुत अच्छा सुंदर से इसको निकाल रहे हैं। और बोरी में हम मिर्ची देते हैं, पता नहीं किस लिए देते हैं, लेकिन आगे से पहले से ही मम्मी पापा लोग जब बनाते थे तब देते थे, तो हम भी अभी तक दे रहे हैं। और देखिए बोरी में मिर्ची दिए हैं, लाल कलर का ये पका हुआ मिर्ची। और देखिए बहुत अच्छा सुंदर से कपड़ा से अलग हो रहा है और सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए तो ये देखिए कपड़ा में, इस कपड़ा में बनाए थे बोरी को, और ये अच्छी तरह से देखिए पूरा सूख गया है और इसको कपड़ा से अलग कर दिए हैं। और अभी देखिए वो धूप में और एक ठो खटिया में है, कपड़ा में बोरी बनाए हैं, तो उसको अभी लाएंगे और उसका सूखा हुआ बोरी को यहाँ लाके उसको भी निकालेंगे। तो चलते हैं और उसको लाते हैं और इसको वही खटिया में लेके और थोड़ा देर के लिए धूप में सुखा देंगे। तो इसको लेके चलते हैं और ये खटिया में सुखा देंगे। तो इसको अभी अच्छी तरह से यहाँ रखेंगे और ये थोड़ा सा निकाला हुआ है और निकालेंगे बाकी को भी। इसमें भी बहुत सुंदर अच्छी तरह से हुआ है बोरी। तो इसको थोड़ा सा फैला देंगे कपड़ा को सही करके और अच्छी तरह से सूख पाएगा ये। तो अभी इसको निकालेंगे, कपड़ा से अलग करेंगे बोरी को और थोड़ा सा तो निकालेंगे और अभी पूरा सबको अभी कपड़ा से अलग करेंगे। दूसरा वाला जो कपड़ा में बोरी बना के सुखाए थे तो वो उसको भी निकाल दिए हैं, कपड़ा से अलग कर दिए हैं। और खटिया जो धूप में रखे हैं उसमें लेके और थोड़ा सा सुखाएंगे उसको। तो चलिए दिखाते हैं आपको, और बहुत धूप भी हो रहा है तो 1-2 घंटा रखेंगे, उसके बाद घर के अंदर ले जाएंगे। तो
तो वो रेडी हो चुका है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए खटिया में और एक बार ला के सुखाए हैं दोनों को, और दोनों को कपड़े से अलग कर दिए हैं देखिए, और बहुत अच्छा सुंदर से बरी बना है और सूखा भी है, और कुछ तो अंदर थोड़ा सा कच्चापन है थोड़ा सा, उसको और थोड़ा 2-3 घंटा के लिए सुखाना पड़ेगा और उसके बाद रेडी हो जाएगा। तो इसको लेके रखेंगे घर में, और डब्बा में शायद जो रखे थे उसी डब्बा में रखेंगे इसको, और खाने के टाइम में निकालेंगे जब सब्ज़ी कुछ बनेगा, सब्ज़ी में देते हैं साग में देते हैं और वैसे ही खाते हैं, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। देखिए बहुत अच्छा सुंदर से बन के रेडी हो चुका है, और थोड़ा सा खाली 2-3 घंटा के लिए सुखाएंगे इसको, और उसके बाद तैयार हो जाएगा खाने के लिए। और आपको दिखाया कि कद्दू का जो बोरी बनाए थे कपड़ा में और 2 ठो खटिया में बनाए थे, तो आपको दिखाया कि उसको सूख गया है और कपड़ा से अलग कर दिए हैं, और अभी दोबारा और एक बार उसको 2-3 घंटा के लिए सुखाएंगे और वो खाने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसको अभी 3-4 घंटा के लिए सुखा देंगे और उसके बाद खाने के लिए वो रेडी हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।